हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। नया वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। हर एक बीमारी से निजात नहीं मिल पाती है जल्दी से, बहुत टाइम लग जाता है और उतने में शरीर खराब सी होने लगती है। तो ऐसे लोग काफी हैं। अपने नियर बाय रिलेटिव में अगर देखेंगे तो कोई न कोई एक बच्चा होगा या फिर बड़ा होगा, उसके बारे में ये आम धारणा उसके परिवार में हो गई होगी कि इसको कोई भी बीमारी हो जाती है तो ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। ज्यादा टाइम लगने के पीछे क्या है कि कुछ हिडन फेनामेना है, हिडन बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस वजह से उस तरह का रिस्पांस नहीं आ पाता जैसा कि दवा से और लोगों को हो जाता है। वही बीमारी किसी और में 2 से 4 दिन में ठीक हो जाती है तो उस पेशेंट को बीमारी ठीक होने में 8, 10, 15, 20 दिन भी लग सकते हैं। तो रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस, किसी भी बीमारी से ज्यादा टाइम में उसको आराम मिलता है औरों की तुलना में। ऐसे लोगों की ही बात करते हैं आज। तो देखिए उसका कारण क्या होता है। होम्योपैथी में एक गनोरियल पॉइजन की बात हुई है जो कि बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किए रखता है। तो रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस, उसका जो कारण क्या हो सकता है, एक तो मेंटल ट्रामा हो सकता है या फिर गनोरियल पॉइजन हो सकता है। मेंटल ट्रामा मीन्स जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसमें चोट लगी है, कहीं पुरानी चोट लगी है। जिसे आर्निका के बारे में आम धारणा है, आप जानते हैं कि कोई पुरानी चोट है तो उसको आर्निका दे दिया जाए तो जो पुरानी चोट पहले से लगी थी 8, 10, 20 साल पहले, वो अब भी ठीक हो सकती है, हो जाती है आर्निका से। यहाँ पे मेंटल ट्रामा है, यानी जो चोट लगी है वो खोपड़ी में लगी है, ब्रेन में लगी है, या फिर गनोरियल पॉइजन है। तो देखिए अगर मेंटल ट्रामा होगा तो पता ही रहता ही है कि कभी एक बार चोट लगी थी 4 साल पहले 10 साल पहले, या फिर छोटा बच्चा था कहीं पे गिर गया था चलते फिरते समय। अक्सर छोटे बच्चे गिरते हैं, इसलिए छोटा बच्चा जब चलना फिरना स्टार्ट करता है तो उसको आर्निका बीच बीच में देते रहना चाहिए ताकि जो गिरने का जो ट्रामा है, जो चोट है, उस बच्चे को बड़े होने पर अफेक्ट ना करे। फिलहाल यहाँ पे सिम्टम्स इस तरह से है कि बच्चा था या कभी चोट लगी थी और उसका इम्पैक्ट अब आ रहा है, यानी मेंटल ट्रामेटिज्म, मेंटल ट्रामा है, या फिर गनोरियल पॉइजन है। देखिए जो गनोरियल पॉइजन है इसका नेचर क्या है कि थिक एलो डिस्चार्ज होगा, यानी थिक एलो डिस्चार्ज, हल्का ग्रीन भी हो सकता है कभी कभार, ठीक एलो डिस्चार्ज होगा या फिर कभी कभार ग्रीन हो सकता है, और खास बात एक पेनलेस होगा, यानी जो पेनिस है, लिंग है, उससे ऐसे डिस्चार्ज निकलता है गाढ़ा सा एलो या फिर ग्रीन कलर का लगभग, और अपने आप निकल जाता है, दर्द और पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है। तो इसका मतलब गनोरियल है, डिस्चार्ज है। तो हिस्ट्री में अगर गनोरियल डिस्चार्ज है, गनोरियल डिस्चार्ज निकल रहा है, कभी इन्फेक्शन हुआ होगा किसी पीढ़ी में, किसी को, बाप दादा को, किसी को, तो उस वजह से पूर्वजों को भी जो इन्फेक्शन था उसका भुगतान बाद वाली पीढ़ियों को करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी संपदा सब आपने ली है तो बीमारी भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो गनोरियल डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो या फिर मेंटल ट्रामा हो, ऐसे लोगों की बीमारियां ज्यादा टाइम में ठीक होती हैं। लेकिन होम्योपैथी में इसका समाधान पॉसिबल है। मेडिसिन की बात करने से पहले सिम्टम्स समझते हैं कि एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, यानी जब भी मौसम में, जैसे मौसम शुष्क रहेगा, प्लेजेंट रहेगा, और जब भी मौसम में नमी बढ़ेगी तब इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। देखिए क्लियर लिखा है, एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, यानी जब भी मौसम में नमी आएगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बरसात का मौसम आने वाला होगा या फिर बरसात हो जाएगा या फिर
गर्मी का मौसम है, सूखा मौसम है, ड्राई है और सडनली बरसात हो जाती है, तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ये जो पेशेंट है इसकी दिक्कत ज्यादा हो जाती है और उसको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। जब भी ऐसा होगा, वेट से जब ड्राई हो जाएगा, और इस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है वो नेट्रम सल्फ है और ए फार्मूला है Na2SO4.10H2O। तो देखिए जो नेट्रम सल्फ है, यही है फार्मूला। तो जो नेट्रम सल्फ है इसके पास ऑलरेडी वाटर है मीन्स ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी है इसके साथ ऑलरेडी, यानी उसकी शरीर ऑलरेडी ह्यूमिड है, यानी जितनी वाटर है सरप्लस में है उसके पास। मौसम में जब भी वाटर ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। ये नेट्रम सल्फ का फीचर है। तो नेट्रम सल्फ का पेशेंट ही इसी टाइप का है कि जब भी ड्राई से वेट मौसम में चेंज आएगा उसको दिक्कत होने लगेगी। छोटे बच्चे को अस्थमा भी डेवलप कर जाता है, ह्यूमिड अस्थमा इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, जब भी मौसम इस तरह से चेंज होता है, ड्राई से वेट, यानी सूखा मौसम होगा उससे बरसात में ह्यूमिडिटी ज्यादा आ जाए, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी ज्यादा हो जाए। तो जब भी वातावरण में नमी ज्यादा होगी दिक्कत बढ़ रही है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनके लिए नेट्रम सल्फ एक बेहतरीन मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है इस कॉन्स्टिट्यूशन को सही करने के लिए। तो ह्यूमिड अस्थमा इन चिल्ड्रेन विद एवरी चेंज टू वेट वेदर, यानी नमी वाले मौसम में आ गया है और दिक्कतें इतनी ज्यादा है कि जो लंग है वो भी अफेक्ट हो जाता है, लोअर लेफ्ट लंग, ग्रेट सोरनेस, छाती में ऐसी सोरनेस होती है लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड क्रूशियल पार्ट है, उधर हर्ट भी है, जरा सा भी कुछ दिक्कत होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि हर्ट संबंधी कोई दिक्कत होगी। तो ग्रेट सोरनेस है, जब भी मौसम में नमी आती है तो छोटे बच्चे को सोरनेस हो जाती है, छाती में जकड़न से हो जाती है, दर्द होने लगता है, जरा सा भी टच करने से दर्द होता है, और लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग। करना क्या पड़ता है उसको, बैठना पड़ता है, छाती को से पकड़े रहना पड़ता है ताकि जो सांस लेते समय जो छाती में जो मूवमेंट हो रहा है, यानी जो गति हो रही है उस धीरे धीरे हो, ताकि सोरनेस यानी जो दर्द है वो न हो। तो नेट्रम सल्फ इन सब समस्याओं को, जो बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है उसको, गनोरियल पॉइजन है उसको भी, और पुराने समय में कभी चोट लगी है उसको भी ठीक करती है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि जब भी मौसम में नमी में जब आप प्रवेश कर जाएंगे, यानी सूखे मौसम से नमी में आ जाएंगे, क्योंकि नेट्रम सल्फ इस तरह की दवा है कि जिसके पास खुद ही 10 वाटर है। बेहतरीन लीवर की भी मेडिसिन है, लीवर के भी जो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी उसकी जो गंदगी उसको बाहर निकाल करके पूरी बॉडी को व्यवस्थित बनाती है। तो ऐसे लोग आपके नियर बाय रिलेटिव में होंगे, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको बताएं कि किसी भी बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो नेट्रम सल्फ का यूज करें, तो उनकी जो दवा है वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगी, बीमारी से जल्दी बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से ये बात है नेट्रम सल्फ की, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलेगी। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए तो लोअर पोटेंसी से, और तभी स्टार्ट करिए जब इस टाइप के सिम्टम्स मिले हैं। इवन ट्रामा उसको इतनी ज्यादा है कि जो अच्छा म्यूजिक है जिससे उसको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए उसमें भी वो इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, यानी प्लीजेंट म्यूजिक जो कि दिमाग को अच्छा लगना चाहिए, जिसमें और लोग अच्छा लगता है, उस म्यूजिक को सुनने के बाद उसका जो सैडनेस है, जो अंदर का जो गुस्सा है, और ज्यादा हो जाता है। तो एक सिचुएशन इस वजह से है, गनोरियल पॉइजन की वजह से है। गनोरिया नहीं हुआ है बात सही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं कहीं से आ रहा है। तो अगर ऐसा है तब दवा को लें, और इसको लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए। अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो किसी भी पोटेंसी में मेडिसिन काम करती है,
लेकिन लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं तो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिखता है। तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से नेट्रम सल्फ 3x पावर की ले लीजिए। इसका 4 टैबलेट जी पर 3 टाइम लीजिए। इसको चूसना है, धीरे धीरे जीभ पर गलने दें। तो इस नेट्रम सल्फ को अपना काम करने दें, जो सेंसिटिविटी है वो ठीक होगी। जब भी मौसम चेंज होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से काम की बात आपने समझा, पसंद आई तो शेयर कर दें दूसरों को, ताकि किसी का भला जरूर हो जाए। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमने इस दवा को लिया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, ठीक भी हुए। आप भी ऐसा करें, किसी को फायदा हो जाएगा। तो शेयर जरूर कर दें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।